So hi guys, welcome back to my channel which is Coco Mania. So today I'm going to share with you a Nutri Glow facial kit जो कि मुझे कल ही received हुआ है ये packet. So I'll show you. और इसका आज मैं आप लोगों के साथ एक review share करने वाली हूँ. और ये जो है Nutri Glow फेशियल किट, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है. इसी में इसका एक और फ्लेवर आता है, वो है टी का. तो वो भी अगर आप लोगों की स्किन अगर है ऑयली है तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो. जैसे कि मेरी जो स्किन टाइप है वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई है, तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वाइन वाला न्यूट्री ग्लो फेशियल किट. सो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से ये यूज़ करा जाता है. इसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. प्लस इसकी जो प्राइस है वो है 499. तो 499 का ये हमें मिलता है प्राइस. और इसके साथ जो है मुझे यहाँ पर फेस मसाजर भी फ्री मिला है, जिसके अंदर 5 तरह के अटैचमेंट अलग से मिले हैं. हेयर यू कैन सी देयर आर 5 अटैचमेंट, 1, 2, 3, 4, और एक अटैचमेंट जो कि इसके ऊपर लगा हुआ है. सो यहाँ पर है फर्स्ट अटैचमेंट जो है ब्रश का है, और काफ़ी माइल्ड यूज़ करने के लिए ये बहुत सॉफ्ट ब्रश है इसका, और काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रहा है. स्किन को भी इरिटेट नहीं कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रहा है. यानी कई कई ब्रश होती काफ़ी हार्ड होता है, तो वो स्किन को क्या करता है, थोड़ा इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि अपनी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है. फिर है एक स्पॉन्ज जैसा है यूज़ करते हैं डैप करने के लिए, तो इसकी तरह है. सेकेंड थोड़ा हार्ड स्पॉन्ज है ये. फिर है हमारा थर्ड है, ये इस तरीके का एक स्टोन है, बट ये बहुत रफ़ होता है, ये अपनी स्किन के यूज़ के लिए नहीं होता है. ये हमारी जैसे एल्बो है, एल्बो को यूज़ के लिए आता है हमारा. एंड द लास्ट अटैचमेंट इज लाइक दिस दैट यू कैन सी. ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को जो है मसाज करेगा, ये बॉल्स जो है आपकी स्किन के ऊपर राउंड राउंड घूम के प्रॉपर मसाज करेगी आपको. फिर है उसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्री ग्लो का फेशियल किट. आई विल शो यू. तरीके का आपका कुछ पैकेजिंग आपको मिलेगा. न्यूट्री ग्लो वाइन फेशियल किट फॉर ब्लैमिशेस फ्री फेयरर एंड कॉम्प्लेक्शन. इसके अंदर जो है 6 स्टेप्स है, और हेयर यू गैट क्लिंजर, स्क्रब, जेल एंड क्रीम पैक एंड सिरम. सो ये सारे के सारे ये 6 जार जो है इसके अंदर है. सो इसको ओपन करते ही हेयर यू गैट थैंक यू कार्ड for here you get the thank you card from Nutri Glow. Thank you for choosing Nutri Glow. We have a hope you love your purchase as much as we loved creating it. We just wanted you to know we have put our heart and soul in its manufacturing, blah blah blah. So ye sab kuch pura thank you card aapko bana kar diya hai. So here you can see is tarike ka kuch aapka jo inner packaging mein इस तरीके के आपके जार आते हैं. आप लोगों को कुछ कोई प्रॉब्लम ना हो इन फेशियल किट को यूज़ करने में, तो हेयर यू हैव सीन अ स्टेप्स आर रिटन हेयर. सो स्टेप फर्स्ट है हमारा डीप क्लिंजर, तो ये डीप क्लिंजर की तरह आपको यूज़ आएगा. सो हमारे जो फर्स्ट स्टेप है वो है फर्स्ट स्टेप ये है, जिसके जो है हमारा डीप क्लिंजर. सो डीप क्लिंजर आपको पता ही है, क्लिंजर सबसे पहले फेशियल किट में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्लिंजर का, जो कि आपकी स्किन को जो है क्लीन करने के काम आएगा. तो हेयर यू कैन सी
इस तरीके का आएगा। और प्लस बात ये है कि कई प्रोडक्ट होते हैं जो पूरे खाली होते हैं, बट आई एक्सट्रीमली लव दिस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ कि ये सारी जो भी जितनी भी जा रहे हैं वो फुल है, पूरे के पूरे, कोई से भी कम नहीं है। और यूज़ करके तो मैं अभी आपको रिव्यू बताऊंगी, बिकॉज मैंने आपको रिव्यू नहीं बताया। ये एक पिंक कलर में है जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल बीट्स कुछ इसमें प्रेजेंट है, कलरफुल येलो ब्लू और वाइट कलर के। सो हेयर यू गेट द क्लिंजर जार, देन नाउ यू हैव स्टेप सेकंड में हमारे पास आता है टब। न्यूट्री ग्लो का स्क्रब आएगा विच इज़ ऑल्सो सेम इन कलर, और बहुत ही इसके जो स्क्रब के जो पार्टिकल्स है काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो कि मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बिकॉज स्क्रब में ये जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो ही अच्छा स्क्रब लगता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी इरीटेट कर देते हैं स्किन में जाकर। सो और काफ़ी हार्ड रहते हैं स्क्रब करने में। सो आई लव दिस स्क्रब टेक्सचर ऑल्सो, और इनकी जो स्मेल है वो एक लेमनी स्मेल आ रही है। तो स्टेप नंबर थर्ड इज नरिशिंग जेल है आपके पास, जो कि काफ़ी ही लाइट वेटेड और काफ़ी माइल्ड लग रहा है मेरे को स्किन के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो मैं तो इन प्रोडक्ट के कलर को, इनके टेक्सचर को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे यूज़ करना है, तो काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। नाउ द स्टेप नंबर फोर, हेयर यू गेट द वाइटनिंग क्रीम है ये, इससे आपको मसाज करना पड़ेगा आपके फेस के ऊपर। सो यू कैन सी दिस, द टेक्सचर, द कलर और द फ्रेग्रेंस बोथ आर एपिक। तो मुझे तो काफ़ी बहुत पसंद आया ये प्रोडक्ट, और मैं आपको यूज़ करके आपको रिव्यू बताऊंगी। सो और काफ़ी लाइट वेटेड है, अभी मेरे हाथ में लगी है तो काफ़ी मतलब ये देख सकते काफ़ी लाइट है, यानी इतना हार्ड नहीं है इसको, इसका जो टेक्सचर है। नाउ द फिफ्थ वन इज पैक फर्मिंग मास्क पैक। आई एम रियली सॉरी अगर मेरा प्रोनंसिएशन गलत है, तो फर्मिंग मास्क पैक विच इज़ स्टेप नंबर 5। ये जो है इसका जो कलर है थोड़ा सा ऑफ वाइट या ग्रीनिश कलर सा लग रहा है मुझे, ग्रेइश कलर सा लग रहा है इसका। और ये पैक है, आपको ये पूरे स्टैप करने के बाद आपको ये पैक अप्लाई करना पड़ेगा अपने फेस के ऊपर। देन द लास्ट वन इज आर सीरम। तो ये जो है हमारा सीरम, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद, आपको वॉश आउट करने के बाद, हेयर यू हैव दिस स्मॉल काइंड ऑफ बॉटल विच इज़ फिल विद अ सीरम। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्यूट सी पैकेजिंग है इनकी। और ये हमारा लास्ट स्टेप है सीरम का, और इसमें दे रखा है हाउ टू यूज़ आफ्टर रिमूविंग द पैक, अप्लाई 2-3 ड्रॉप्स एंड सीरम, यू कैन लीव इट ऑन। और आप इसको अपने फेस पे भी रख सकते हो। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसके अंदर है लेमन ऑयल, मिल्क प्रोटीन एंड पीपरमिंट ऑयल, और इसके अंदर है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। तो ये काफ़ी नेचुरल चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये सारी नेचुरल चीज़ें हमारी स्किन के ऊपर लगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इनके इंग्रेडिएंट देखकर, प्लस इनकी पैकेजिंग देखकर, प्लस पूरा फुल अमाउंट में ये भरा हुआ है। बिकॉज़ हम लोग कोई भी क्रीम लाते तो आधी तो डब्बी वैसे, आधा जार तो वैसे ही ख़त्म रहता है, उसमें लगाए क्या इंसान। सो गाइस, फेशियल स्टार्ट करने से पहले, अप्लाई करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, तो मुझे
अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज कोको मेनिया. सो या गाइस, और अगर आपको मेरे वीडियो टाइम टू टाइम चाहिए तो प्लीज प्रेस बेल आइकन टू, और प्लीज आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, काफी सारा सब्सक्राइब करें कोको मेनिया को. और फेशियल करने से पहले हमें आना पड़ेगा, फेशियल वाले वाइब्स में आना पड़ेगा. सो या गाइस, अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ा सा अवतार में आकर. सो या गाइस, हियर वी गो. So yeah guys, I'm ready with my small सा makeover of for facial kit. So आपको facial kit के लिए आपको ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ेगी. कोल्ड वाटर एक बाउल में भर के रख दीजिए, पास साथ में एक कॉटन ले लीजिए क्योंकि हमें टाइम टू टाइम उसको रिमूव करने के लिए टाइम मिलता रहेगा. और कोल्ड वाटर मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो आपकी स्किन को जो है थोड़ा टाइटनिंग करेगा. सो या गाइज, बातें बहुत सारी हो गई है, अब हम लोग अपने काम पे चलते हैं. फेशियल करते हैं. So here you can see my face. ओके, सो आई नो गाइज, अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, काफ़ी सारे लोग घर से बाहर जाते होंगे काम करने के लिए. मैं भी जाती हूँ, काफ़ी धूप रहती है, काफ़ी सब कुछ सनबर्न हो जाता है, कभी टैनिंग हो जाती है, स्किन में पिगमेंटेशन होने लग जाती है. तो बट अब हमें नहीं करना है बिकॉज हमारे पास आ गया है न्यूट्री ग्लो. सो या गाइज, न्यूट्री ग्लो आपकी जो स्किन है उसको ब्लामिशिंग करने के लिए काम आती है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मूविंग ऑन दिस वीडियो, और हम लोग प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और मैं आपको रिव्यू दूंगी कि कैसा है ये प्रोडक्ट. सो या सबसे पहले मैंने अपना फेस तो वॉश कर लिया, बट आपसे बातें करते करते थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है. तो सबसे पहले मैं आपको मेरी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा है, बट फिर भी मैं पानी से जो है क्लीन कर लूँगी एक बार, ताकि कुछ भी पसीने वसीने हैं वो सब कुछ हट जाए. बिकॉज क्लिंजिंग करने से पहले हमें अपनी स्किन को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता है, बिकॉज क्लिंजिंग करने में हमारे जो पोर्स है वो ओपन होना स्टार्ट होते हैं और हमारे ऑलरेडी डस्ट रहेगा तो वो डस्ट भी वापस अंदर इंजर्ट हो जाएगी, तो वो अच्छा नहीं रहता है ऐसा मैं सोचती हूँ. मैंने अपनी स्किन को क्लीन कर लिया है. अब फर्स्ट स्टेप हमारा जो है इसमें बॉक्स में से हमारा है, फर्स्ट स्टेप है क्लिंजर का. तो हेयर यू सी क्लिंजर. सो अप्लाई करेंगे इसको, थोड़ा सा हम अपने फेस को जो है वेट कर लेंगे थोड़े से पानी से, ताकि इजी रहेगा. ठीक है, तो हेयर आई हैव दिस क्लिंजर. सो क्लिंजर ज़्यादा नहीं लेना, हमें स्मॉल अमाउंट में लेना है, ज़्यादा नहीं. अपन को क्या करना है, अपने फेस पे एक स्मॉल सी लेयर क्रिएट कर लेनी है, उसके बाद में हमें ये स्टार्ट करना है. ठीक है, ये मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ लेयरिंग मैंने जो है बना ली है अपने फेस पे. तो हेयर यू कैन सी, ओके, सो मैंने यहाँ पर क्लिंजर की एक लेयर बना ली है इसके ऊपर. सो अब हमें, ओह वाओ, इट्स वर्किंग. ठीक है, यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे पावर्स मिलेंगे, आपके पास हाई का होगा, आपके पास लो का मिलेगा, आपके पास ऑफ का मिलेगा. सो यू कैन चूज विद योर स्किन टाइप कि मेरी स्किन को इरिटेट तो नहीं हो रहा, हाई पे ले जा रही हूँ तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन, हाई एंड लो. सो आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई है तो आप लोग लो भी कर सकते हो, अगर लगता है बहुत ज़्यादा लो है तो आप लोग हाई भी कर सकते हो. ठीक है, सो कई लोग होते हैं जिनको फेशियल की काफ़ी हैबिट होती है, तो दे लोग जस्ट यूज़ हैंड. ओके, तो आप लोग हैंड से भी सकते हैं, एक सर्कुलर मोशन में हमेशा अपने जो है स्किन को. और एक और बात, हमें हमेशा लाइटली यूज करना है हमारे स्किन के ऊपर अपने हाथ को, कभी भी हार्डली यूज नहीं करना है, काफी माइल्ड यूज करना है हमारे हैंड्स को, और आराम आराम से सर्कुलर मोशन में स्किन को कभी भी इस तरीके से नीचे नहीं डालते, कभी भी इस तरीके से अपवर्ड मोशन में हमें स्किन को करना चाहिए. And if you are new to the massage, और अगर आप नए हो मसाज करने में, तो आप लोगों को ये मसाजर दिया है, तो आप लोग इस मसाजर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो. वाओ, काफ़ी हार्डली यूज़ नहीं करना है इसको, धीरे धीरे यूज़ करना है आपको स्किन के ऊपर. दस से 20 सेकेंड हमें ये यूज़ करना है. ये ब्रश बहुत अच्छा है, सीरियसली ये मतलब स्किन के ऊपर बिल्कुल भी हार्म नहीं कर रहा है, लग नहीं रहा है, जस्ट ऐसे लग रहा है कि हाँ कोई हमें ब्रश से जो है
क्लीन कर रहा है हमारी स्किन को, तो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर रहा है हमारी स्किन को। यस, तो आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है ये ब्रश, और जबकि मैं अपना फेस वॉश करके आई थी। सो हेयर यू कैन सी द पावर ऑफ क्लिंजर। सो हार्ड चौफ यार, और प्लस इसमें ये है कि आप इनको इजीली अटैच कर सकते हैं, तो प्लस इसको इजीली हम लोग इसको डिटैच भी कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग कोई और सा भी अटैचमेंट इसको इजीली हम लोग जस्ट इस तरीके से हम लोग अटैच कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ सो ईजी। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, पहले हम लोग इसको जो है क्लियर कर लेते हैं अच्छे से कॉटन की मदद से, ठीक है। तो मैंने अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। माय गॉड, हियर यू कैन सी दिस कॉटन, लॉट्स ऑफ डस्ट। पोर्स को पूरा ओपन करके आपकी जो है डस्ट को जो है क्लीन करता है। अपन को लगता है नहीं नहीं हमने फेस वॉश कर लिया, बट क्लीन नहीं है। हमारी स्किन को एक दो बार नीड होती है, हमें नीड चाहिए होती है, हमारी स्किन को पूरा प्रॉपर हमें क्लीन करना पड़ता है। सो या ये देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है अपने क्लिंजर को। नाउ स्टेप नंबर सेकेंड, विल गोइंग टू स्टेप नंबर सेकेंड है हमारा स्क्रब। स्टेप नंबर सेकेंड, ये भी हम ज़्यादा नहीं लेंगे गाइस, पहले स्किन को जो है वेट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने ये पूरी स्किन पे अप्लाई कर लेना है। ओके, आफ्टर अप्लाइंग दिस, इसको मैं पूरी स्किन के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। आई नो आई एम लुकिंग सो फनी राइट नाउ, बट अच्छा, जो इसका जो प्रोसेस है, आप लोगों को ये जो फेशियल किट है, आपको रात को ज़्यादा अप्लाई, रात को ज़्यादा क्या, रात को अप्लाई करो तो आपको मॉर्निंग बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये जो है। तो मैंने ये स्किन पे अप्लाई कर लिया है। अब जो है आप मसाजर के थ्रू इफ़ यू वांट टू यूज़, तो मसाजर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था इसकी जो पार्टिकल है स्क्रब के, जनरली किसी के काफ़ी मोटे मोटे पार्टिकल्स आते हैं जो कि बिल्कुल स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो छोटे छोटे वाले पार्टिकल। आई रियली रियली लाइक द, यहाँ पर हम स्क्रब कर लेते हैं इस तरीके से। आप इस डिटैचमेंट से स्क्रब कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज योर हैंड, तो आप अपना हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। सो हेयर आई एम यूजिंग माय हैंड, ज़्यादा हार्ड नहीं करना, हमें बहुत 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 लाइटली यूज़ करना है हमारे हैंड्स को हमारी स्किन के ऊपर। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं कहीं नहीं जाऊँगी, घर से बाहर नहीं जाऊँगी, तो आप लोग अपनी शाम को भी यूज़ कर सकते हो ये फेशियल किट। बट आप लोग फिर कोई सा भी फेस वॉश यूज़ नहीं कर सकते हो इस फेशियल किट को लगाने के बाद। यू जस्ट हैव टू वॉश योर फेस विद अ नॉर्मल वाटर। सो इफ़ यू वांट टू गो आउटसाइड ऑफ, सो यू जस्ट हैव टू यूज जस्ट अ माइल्ड सनस्क्रीन। सो मैं तो आपको रिकमेंडेड करूँगी कि ये जो फेशियल किट है आप रात में यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेगा। दिस इज़ डन, और आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं, और यू कैन रिमूव इट बाय कॉटन ऑल्सो। सो मैं यहाँ कॉटन यूज़ कर रही हूँ, मैं कॉटन से रिमूव कर दूँगी। अगर लगता है आपको कि नहीं यार कॉटन से नहीं, मेरे बस आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टिकल्स चले जाए, बिकॉज पार्टिकल्स रहेंगे हम लोग कुछ और चीज़ यूज़ करेंगे तो वो इरीटेट ना करें आपको। सो या गाइस, फेस जो है मैंने क्लीन कर लिया है, और अब जो करना है हमारा, हमने स्क्रब कर लिया यानी स्टेप नंबर थर्ड कर लिया हमने, स्टेप नंबर हमारा स्टेप फर्स्ट था क्लिंजर, स्टेप टू था स्क्रब, नाउ स्टेप थ्री है हमारा जेल, नरिशिंग जेल, स्टेप नंबर थर्ड है। तो हम लोग अभी स्टेप नंबर थर्ड करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही
सॉफ्ट जेल है अगर मैं इसकी टेक्सचर की बात करूँ तो। ये मतलब स्किन मेरी अभी जो राइट नाउ की जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे हो गई, हाइड्रेट स्किन हो गई मेरी, काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि मैंने कुछ बाहर से जाकर मैंने कुछ ट्रीटमेंट लिया है, काइंड ऑफ वाली वाइब्स आ रही है मुझे, बिकॉज काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है यार। मैंने कभी भी बाहर से कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह कोई भी फेशियल वगैरह नहीं करवाया है, बट बहुत अच्छा लग रहा है, कोई हर्ट नहीं हो रहा है मेरी स्किन में कुछ। तो हाँ हाँ मैं जो है अच्छे से स्किन के अंदर अप्लाई कर रही हूँ। काफ़ी लाइट वेटेड है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैं क्या लगा रही हूँ स्किन के ऊपर, क्योंकि अंदर से स्किन ऐसे हो जाता है, इरिटेट हो जाती है कि यार क्या अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी लाइट जेल है ये, बहुत ही लाइट और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा ये, मुझे ऐसा अंदर से वाइब आ रहा है। और इसकी जो क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो क्वांटिटी आपने देख ही लिया होगा आपने कि पूरे जो जितने भी टब है जितने भी जार है वो पूरे एकदम फुल है। तो आप आई थिंक आप लोग 10-12 दिन आप लोग ये 10-15 दिन तो आराम से ये फेशियल यूज़ आ सकता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करूँगी भाई कि आप ये ले सकते हैं, आप ये यूज़ करिए। और 499 में लाइक सीरियसली ये सारी चीज़ें प्लस आपको मसाजर मिल रहा है, तो मैं तो यही रिकमेंडेड करूँगी कि आप लोग खरीदें और मसाज करें, ताकि आप लोग पार्लर में जाने से रोके अपने आप को। हम लोग इतना पैसा वेस्ट कर कर आते हैं पार्लर में और यही सब चीज़ें होती है। मैं उन एरिया में ज़्यादा कर रही हूँ जहाँ पर मेरे ज़्यादा पिगमेंटेशन है, ज़्यादा वाइट हार्ट ब्लैक हार्ट है, तो बहुत ही सूदिंग लग रही है मेरे को, मेरी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रही है। आप लोग देख सकते हो, लुक एट द शाइन ऑफ माई स्किन। और टेक्सचर की मैं बात करूँ काफ़ी लाइट है, कभी ऐसे नहीं लग रहा कि यार क्या लगा लिया। ओके सो दिस नरिशिंग जेल अच्छे से हो गया है, हमारा नरिश हो चुकी है स्किन। हम लोग पानी से डैप डैप करके इसको रिमूव कर लेते हैं अब। ओके यहाँ पर जो है मेरा जेल जो है रिमूव हो चुका है, हर एक पार्ट में मेरी जो कॉटन है गंदी ही निकल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी डस्ट जो है मेरी स्किन में इंसॉल्ट है। सो या गाइज, मेरा स्टेप नंबर 3 हो चुका है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 4, जो कि है हमारी नरिशिंग क्रीम। तो नरिशिंग क्रीम के लिए हम लोग पहले अपने फेस पे जो है वाटर से डैप डैप कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो हमें मसाज करनी पड़ेगी। दिस इज़ अ मसाज नरिशिंग क्रीम। तो यहाँ पे मैंने वाटर यूज़ कर लिया है आफ्टर दिस। और वाह लुक एट दिस, इसका जो टेक्सचर है, इसका जो कलर है काफ़ी बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है, बेबी पिंक कलर का जो है कलर है, और काफ़ी सॉफ्ट क्रीम लग रही है इसका जो टेक्सचर है। सो या इसको मैं अप्लाई करूँगी, ज़्यादा नहीं अप्लाई करना हमें, सिर्फ 4 पार्ट्स पे लगा लेना। सो दिस इज द, सो हियर आई एम यूजिंग दिस क्रीम। सो हेयर यू कैन सी दिस इज सो सूदिंग, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि कुछ हार्ड सब्सटेंस लगा रहे हैं हम लोग हमारी फेस के ऊपर। काफ़ी ही प्यारा कलर, काफ़ी प्यारी लैवेनिश वाली फ्रेग्रेंस। ये हो चुका है, मैं इसे रिमूव कर दूंगी। इसको प्रॉपरली मैं रिमूव कर दूंगी। अब नाउ आई एम, दिस इज डन आवर 4th प्रोसेस। अब हमारा है फेस पैक, यानी 5th प्रोसेस, 5th स्टेप विच इज फेस मास्क। सो ये जो फेस मास्क है हमें लगाकर 10 मिनट तक के लिए रखना पड़ेगा। सो या इसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, सो या गाइस ये मैंने पैक लगा लिया। यू जस्ट हैव टू लीव दिस पैक अबाउट 10 मिनट्स। सो
सो या गाइज, यहाँ पर जो मेरा फेस पैक है वो अभी एकदम ही ड्राई हो चुका है, नाउ आई एम गोइंग टू फेस वॉश। सो या गाइज, मैंने अपना फेस जो है वॉश कर लिया है। सो हमारे जो है सारे स्टेप्स जो है पूरे हो चुके हैं। लास्ट जो चीज़ है, अब हमारा जो है लास्ट वो है हमारा सीरम। सो सीरम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है फ्रेग्रेंस से। तो सो इसकी जो है हमें 2-3 ड्रॉप यानी लगानी पड़ेगी। दिस इज़ द स्टेप नंबर 6। और इसकी जो पैकेजिंग है काफ़ी क्यूट है, काफ़ी मिनी सी बॉटल है विच इज़ टोटली फुल विद, यू कैन सी यहाँ एंड तक इसकी जो है सीरम फुल है। और सो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ इसकी बूंद तो गिर। सो यहाँ पर मैंने ले लिया है सीरम और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने ले लिया है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है गाइस सीरियसली, और मैं पूरी अपनी स्किन के ऊपर जो है अप्लाई करूँगी, डैप डैप कर लूँगी। दिस इज़ सो सूदिंग और ये ऐसा लग रहा है जैसे जो जिसको यू नो जिसको प्यास लगती रहती है उसको पानी की ज़रूरत होती है, काइंड ऑफ वैसी वाली सिचुएशन हो रही है मेरी स्किन के ऊपर, वैसा लग रहा है मुझे। से हेयर यू कैन सी मैंने लगा लिया है पूरा सीरम। सो या गाइज, सो या गाइज, आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी हाइड्रेट हो चुकी है मेरी स्किन, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका इफेक्ट जो मेरे को मिला है। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंडेड करूँगी कि आप लोग भी इसको यूज़ करें, बिकॉज यू कैन सी द शाइन ऑफ माई स्किन और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ग्लॉसी लग रहा है। और मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, सो जस्ट बी ट्राई एंड प्लीज़ गाइज आप इसको ट्राई करें और काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा लगा। मेरी स्किन देख सकते हैं एकदम बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हो गई है, और मैं आप लोगों को भी यही स्किन केयर यूज़ करने के लिए बोलूँगी। काफ़ी अच्छा और हाइड्रेट कर दिया है, काफ़ी ग्लॉसी हो गई है मेरी स्किन। तो ये पूरा 499 का किट मिल रहा है तो क्या ही जाता है। तो मैं आप लोगों को इसका यानी न्यूट्री ग्लो का जो भी लिंक है मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो जस्ट डू एंड चेक इट आउट एंड प्लीज़ आप लोग ये परचेज करिए, काफ़ी अच्छा है। 499 में आपको इतना पूरा किट, 499 में आपको पूरा किट और प्लस मसाजर फ्री मिल रहा है, तो और तो क्या ही चाहिए। सो या गाइस, जल्दी से विजिट करिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, यू नो ग्लॉसी ग्लॉसी वाला टेक्स्चर है, और या सो या गाइज़, आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट हो गई है। सो या गाइज़, मैं आप लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ आप एक बार ये 499 का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ये कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं जब आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था वो वाली स्किन और अब वाली स्किन में कितना कितना फ़र्क लग रहा है। और अभी तो ये पूरा नाइट में, सुबह मॉर्निंग में और भी ज़्यादा इफेक्ट देगा। सो या गाइज़, और ये जो सीरम मैंने लगाया है इसको अपने फेस पे लीव कर दीजिए और इसी में आप सो जाइए। डू नॉट यूज़ एनी, आप लोग कुछ भी यूज़ मत करो, कोई भी नाइट क्रीम मत यूज़ करो, जस्ट लीव द सीरम ओनली फॉर अ वन डे। सो आप लोगों को खुद को सुबह मॉर्निंग में उठकर इफेक्ट दिख जाएगा। सो या गाइज, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, और या गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल दैन टाटा बाय। और वापस से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ये यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और आपको खुद को ही मेरी स्किन पे आपको खुद को ही दिख रहा होगा कि मेरी पहले स्किन कैसी थी। और मेरे को काफ़ी सारे पिगमेंटेशन भी थे और काफ़ी हद तक जो है मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी स्किन एकदम सूदिंग बाउंसी ऐसी स्किन लग रही है। तो या गाइज, जाइए और चेक करिए न्यूट्री ग्लो फेशियल किट, और जो कि है वाइन फ्लेवर का वाइन किट है, रेड वाइन फेशियल किट है। और या गाइज, और बताइए, यूज़ करिए और जस्ट कमेंट बिलो कि आप लोगों को ये एक्सपीरियंस आपका, आपने यूज़ करा कैसा लगा। सो या गाइज, टिल दैन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ कोको मेनिया। सो या गाइज, बाय।